हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इजी, टेस्टी और यमी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया थोड़ा सा वाटर, और हमने जितना वाटर लिया उतना ही इसमें शुगर ऐड करेंगे, और इन दोनों की अच्छे से प्रॉपर चाशनी बना लेंगे। एक तार वाली चाशनी में हम लोग को इन्हें कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद हमें इसमें बहुत सारे प्रोसेस आगे करने। मेरी लाइट बार बार ख़राब हो जा रही थी, इसीलिए वीडियो सही नहीं आ पाया, बट अगेन मैंने कोशिश की है अच्छी वीडियो बनाने की। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये हाफ हो गया वाटर जो था, अभी इसको और हाफ करना है हमें। हम लोग जो है, इस रेसिपी का नाम तो है बिना अगर पाउडर, बिना जिलेटिन पाउडर के हम लोग बनाने वाले हैं आज बहुत ही टेस्टी यमी सी गमी कैंडी। तो कोशिश मैंने की है, आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट करके कि मैंने कैसा बनाया। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके की चाशनी रेडी कर लेनी है हमें। गाइज, मैं देखती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देखते तो हैं, लाइक भी करते, बट सब्सक्राइब नहीं करते हो मेरे चैनल के। मैंने देखा कि जितने ज़्यादा मेरे व्यूवर्स हैं, बट उतना ज़्यादा मुझे लोग सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तो वहाँ पे एक तार वाली चाशनी रेडी हो रही है, और इधर मैंने ले लिया वाटर, और वाटर में मैंने ऐड कर लिया कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर आप कोई सा भी कॉर्नफ्लोर यूज़ कर सकते हैं, मैंने विक्टोरिया का कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है। तो यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, यहाँ पे इसे। उसके बाद यहाँ पे देखिए तार बनने लगा है, मीन्स चाशनी रेडी हो गई है। अब हमें क्या करना है, धीरे धीरे मिक्स करना है, और उसके बाद इसे चलाते जाना है। यहाँ पर देखिए, इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे, चलाते जाएंगे। अब देखिए ये कुछ ट्रांसपेरेंट लुक ले लेगा और थोड़ा थिक होने लगेगा। अभी आपको हीट जो है लो ही रखना है, फ्लेम एकदम हाई नहीं रखना है। मैंने यहाँ पे मीडियम रखा था लो फ्लेम, तो आपको भी उतना ही रखना है, आपको एंड में से हार्ड कर लेना। उसके बाद अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा लेमन जूस। लेमन जूस से क्या होगा कि थोड़ा खट्टा मीठा सा टेस्ट आएगा, तो इसीलिए मैंने इसमें लेमन जूस भी ऐड किया। आप इसका कलर देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट हुआ जा रहा है बिल्कुल। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा फूड कलर। आपको जो भी कलर पसंद हो, रेड, ब्लू, ब्लैक, येलो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास रेड फूड कलर अवेलेबल था, सो मैंने इसमें रेड फूड कलर ऐड किया। पहले मैंने थोड़ा सा ऐड किया था, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा और डार्क होना चाहिए, तो मैंने इसमें और ऐड कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि एकदम थिक होने लगा, और अब ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया था। तो फिर मैंने इस तरीके से एक नॉर्मल सा बॉक्स लिया, कंटेनर, और इसमें मैंने घी से ग्रीस कर लिया। उसके बाद इसे अच्छे से डाल लिया, और थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के बाद इसे मैंने आधा घंटा फ्रिज में रख दिया, फ्रीज होने के लिए। उसके बाद देखिए ये कितना ज़्यादा यमी और टेस्टी बना है, कितना अच्छा जेली गमी चॉकलेट लग रहा है। गाइस, आप लोग भी इसे ट्राई करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। और अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। थैंक यू, बाय बाय।